नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद राजवी सर पर स्वागत है। तो आज हम ऐसे समीकरण हल करना सीखेंगे, इन समीकरणों को सीखकर आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर एक को हल करेंगे, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जिस संख्या के साथ हमारे कोई अल्फ़ाबेट हमारे एक्स डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी होते हैं, तो सबसे पहले हम उस संख्या को लेते हैं। तो 3x, फिर उसके बाद हम जो बराबर की जो संख्या होती है, जो बराबर जो संख्या रखी होती है, उस संख्या को लेंगे हम 24। अब देखो ये बराबर से इस तरफ होता है दायां तरफ, इस तरफ क्या होता है बायां तरफ। भाई हम एक दूसरी संख्या का अगर स्थान चेंज करते हैं तो उसका मारक भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये संख्या, इस संख्या को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो ये संख्या हमारे किस में माइनस में, इसको हम चेंज कर देंगे। अब 3x इज इक्वल टू, अब 24 में से हम 12 को घटाएंगे तो हमारे पास 12 बचता है। अब x बराबर है 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम ऐसे समीकरणों को हम कर सकते हैं। अब हम समीकरण नंबर, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा इससे अलग है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट की संख्याओं को एक तरफ ले लेते हैं जिसके साथ एक्स या वाई होती है। तो 5x, फिर इस संख्या को लेंगे हम, क्योंकि इसके साथ एक्स है तो एक्स वाली संख्या लेंगे हम। ये अभी बताया था भाई, अगर इज इक्वल टू से इस तरफ संख्या को उठाकर ले जाते हैं तो उसका निशान चेंज हम कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3x इज इक्वल टू संख्या हम 8 रखेंगे, फिर इस संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इसमें से इसको हम घटाते हैं, 5 में से हम 3x को घटाते हैं तो हमारे पास 2x बचेगा। अब इसमें से 8 में से हम 2 को घटाते हैं, हमारे पास 6 बचेगा। अब x बराबर है 6/2, 2 एकम 2 और 2 3 6 और x बराबर 3, तो इसका x बराबर, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।